Good afternoon everyone. I hope I'm audible and visible to all of you. All right, so भाई छत्तीसगढ़ ka prelims finally ho gaya hai और आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया है यों में भी knowing that the paper was not easy है ना और मीडियॉकर uh, से थोड़ा ऊपर ही आई वुड कि डिफिकल्ट था पेपर और अगर आप यूपी का देखें जो अभी रिसेंटली हुआ था 12 फरवरी को लॉ वाला सेक्शन तो बहुत ही डायरेक्ट और इजी था वो इजी टू मीडियोकर रटने की चीजें ज्यादा थी याद करने वाली चीजें ज्यादा थी उसमें सो इट वाज इजी टू मॉडरेट दिस इज मॉडरेट टू टफ क्योंकि थोड़ा सा आप देखेंगे पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ थोड़े केस लॉस भी हैं ठीक ठाक नंबर ऑफ केसेस हैं और केसेस वैसे नहीं है जो बहुत ही एकदम एविडेंट या बहुत ही लैंडमार्क होते हैं कुछ इधर उधर के भी केसेस हैं जो जल्दी या इतने आराम से आप नहीं पढ़ते हैं अपनी उस प्रिपरेशन की जर्नी में कुछ इस तरीके के भी सवाल पूछे गए हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन या वेटेज की अगर अपन बात करें तो माइनर लॉज या स्टेट स्पेसिफिक लॉज का नंबर काफी अच्छा है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर पेपर क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए हमने पूरा जो PYP, आ, का जो सेशन किया था प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन का वहां आपने देखा कि मेजर सब्जेक्ट से काफी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर्स में एविडेंस से सीआरपीसी से सीपीसी से एविडेंस से इनके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे बट आज का जो पेपर था इसमें नंबर बहुत कम है उन कॉमन सब्जेक्ट का मेजर सब्जेक्ट का बेसिकली नंबर कम है लिमिटेशन के ठीक-ठाक क्वेश्चन है एसआरए के क्वेश्चन हैं ठीक-ठाक एनआई के का जो नंबर है जो वेटेज है वो काफी आ, है तो जो मेजर सब्जेक्ट थे उनसे कंपैरेटिवली क्वेश्चंस काफी कम पूछे गए हैं इसीलिए आप सब इस बात को भी मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे कि कट ऑफ जो है वो पहले की तरह नहीं जाएगा जो हम लोग हमेशा उम्मीद करते हैं छत्तीसगढ़ के पेपर के बाद क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती पेपर काफी डायरेक्ट और इजी हुआ करता था इसीलिए कट ऑफ जो जाता था बहुत हाई मतलब 90 तो आपको लेके चलना ही होता था वाइल अटेम्प्टिंग छत्तीसगढ़ बट आज का पेपर वैसा नहीं है एग्जैक्ट कट ऑफ प्रोडक्शन तो मैं अभी नहीं करूंगा अभी तो अपन पेपर सोल्यूशन करेंगे बट विद इन अ फ्यू डेज एक बार जरा uh, सबका वो मिलने लग जाए सबके Uh, कि किसका कितना स्कोर हो रहा है स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लें उसके बाद वील बी प्रोडिक्टिंग दी कट ऑफ की क्या इसका हो सकता है बट वैसा तो नहीं होगा पेपर का एक uh, प्राइमा फेसी रीडिंग से ही आप ये बात समझ सकते हैं कि ये पहले जैसा तो नहीं होगा जैसा प्रीवियस इयर्स में छत्तीसगढ़ का होता है 87, 90, 92 ऐसा कट ऑफ जाता है इतना तो होने की संभावना इस बार ना के बराबर है दो, दो नंबर ऑफ सीट इज लेस कम है सीट बट फिर भी इतना कट ऑफ जाने की संभावनाएं थोड़ी कम इसलिए हो जाती है क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स पेपर में अपियर हुए हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे व्हाट्स योर ओपिनियन व्हाट इज इट इजी और डिफिकल्ट सो अंकित ने ऑलरेडी कहा है कि यूपी का पेपर इजी था बिल्कुल यूपी का तो भाई बहुत ईजी था अगर आप इससे देखेंगे तो मतलब कुछ भी नहीं था यूपी का पेपर तो ऑलमोस्ट ठीक है उसमें यह था कि आपको सेक्शंस नंबर याद है कि नहीं दैट वाज अ कंसर्न बट ऐसी कोई कॉन्सेप्ट वाली चीजें और केसेस भी ऐसे नहीं थे वहां यूपी के पेपर में बट आज के पेपर में यस yes, श्रेया बिल्कुल नहीं बने होंगे आई अंडरस्टैंड केस लॉज नहीं बने क्योंकि केसेस uh, बहुत वैसे नहीं थे डायरेक्ट नहीं थे क्वेश्चंस उनसे और सिर्फ लैंडमार्क केसेस नहीं थे थोड़े बहुत इधर उधर के केसेस भी हैं जो जनरली आप शायद नहीं पढ़ते हैं अपनी प्रिपरेशन में इस तरीके के भी थे आ, अपूर्वा का कहना है पेपर अच्छा नहीं हुआ बेटा किसी का नहीं हुआ होगा इस पेपर को देख के आई कैन डेफिनेटली से दैट कि पेपर कोई ये नहीं कि, कि कोई भी एस्पिरेंट बाहर आके शायद ही ये बात कह पाए कि पेपर अच्छा और आप एक बात समझिए आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने गए हैं यहाँ कट ऑफ का गेम होता है सारा तो अगर आपका अच्छा नहीं गया या किसी का अच्छा नहीं गया तो कट ऑफ कम जाएगा उसके लिए आप परेशान मत हो कि पेपर किसी का अच्छा नहीं गया और इनफैक्ट जिसने थोड़ी प्रिपरेशन करी है जो पढ़ के गया है उसे तो हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि पेपर टफ आए ताकि अननेसेसरीली कट ऑफ हाई ना जाए ठीक है इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं ही बनेंगे या पंद्रह से बीस परसेंट क्वेश्चन किसी से भी नहीं बनेंगे तो ठीक है ना वो किसी से भी नहीं बने और उसके कारण आप थोड़ा बहुत करते हैं वहां जिसने अपना कंपोज माइंड से काम माइंड से अपने पेपर को सॉल्व किया है तो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जो डायरेक्ट हैं जैसे आप एक्साइज वगैरह के क्वेश्चन देखेंगे काफी डायरेक्ट हैं कॉन्ट्रैक्ट के काफी इजी क्वेश्चन हैं टीपीए के एक दो क्वेश्चन है जो थोड़े से डिफिकल्ट uh, है लेकिन बाकी चीजें आईपीसी के क्वेश्चन आप देखोगे ईजी है एविडेंस के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी हैं केसेस के जरूर क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे केस वाले क्वेश्चन जो एविडेंस में पूछे केस लॉज वाले वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं तो वो कुछ क्वेश्चन हैं जिनके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना या दिमाग लगाने की जरूरत थी है ना बाकी तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं सत्तर क्वेश्चन से पचहत्तर क्वेश्चन के आसपास ऐसे हैं जो आपसे बन सकते थे तो ऐसे पेपर में यही फ्रूटफुल होता है कि वहां जाके आप थोड़ा काम माइंड से उन क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए जो ईजी है ठीक प्रीति कट ऑफ के बारे में बेटा मैंने कहा एकदम अभी अंदाजा लगाना संभव नहीं है जस्ट पेपर हुआ है एक घंटा डेढ़ घंटा हुआ पेपर हुए दो घंटे होने वाले हैं लगभग तो इतनी जल्दी कट ऑफ प्रोडिक्शन सही नहीं है बट जैसा मैंने आपको कहा कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कम ही जाएगा क्योंकि तो ये काफी डिफिकल्ट पेपर है अगर आपने वो पीवाईपी वाली सीरीज देखी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एनी सॉल्व करके गए हैं तो यू मे बी नोइंग और यू मे बी अंडरस्टैंडिंग इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं है बिल्कुल ऋषभ वी आर स्टार्टिंग विद दी पेपर और जो हम इधर पे पेपर सॉल्व करेंगे दैट विल बी सेट डी है हमारे पास उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आप क्वेश्चंस देखते जाइएगा तो देयर विल बी मल्टीपल फैकल्टीज जो अपना अपना स्टार्ट करेंगे सेक्शन और क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सोल्यूशन के फॉर्म में बताते जाएंगे ठीक है तो जस्ट वेट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट Two minutes, we'll be beginning with the uh, paper solution. We are starting with that. Good afternoon, everyone. Am I audible and visible to you all? Please, once let me know am I audible or visible or not? Then we can start with the paper. मनीष कट ऑफ तक का कट ऑफ के लिए वेट कीजिए कल तक आइडिया लग जाएगा कि क्या कट ऑफ है क्या कट ऑफ नहीं है पेपर एनालिसिस आज आज हो रहा है है पे रुकते हैं ठीक पेपर एनालिसिस करते हैं एक बार देखते हैं पेपर सरप्राइजिंगली यूपी ने जिस तरह से लोगों को डिसअपॉइंट किया था कि बहुत ही ईजी पेपर देता था बच्चे बहुत पढ़ाई करके गए थे और बहुत ईजी पेपर आया था बहुत ही ऊपर ऊपर से पेपर आ गया था ना बहुत जिसे आप कहते हैं कि बहुत ईजी लेवल का पेपर आया था बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे छत्तीसगढ़ ने उसके लिए कॉम्पन कर दिया जिन बच्चों ने यूपी की तैयारी बहुत अच्छे से करी थी अगर उन्होंने छत्तीसगढ़ दिया है तो उनको थोड़ा सा

द फर्स्ट क्वेश्चन रीज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 a wagering अवेजरिंग अग्रीमेंट इज अवेजरिंग अग्रीमेंट क्या होता है बताइए मुझे फटाफट से जिन लोगों ने भी देखा है नहीं देखा है आप लोग अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अपन खैर आंसर देखते हुए चलते हैं इट इज ट्रीटेड एज वॉइड ठीक है क्या ट्रीट किया जाता? जाता है उसको वाइड ट्रीट किया जाता है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलो बिल्कुल डिरेक्ट क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर टू पे चलेंगे एजेंसी कब टर्मिनेट होती है क्या कंडीशन क्या सिचुएशन दिया है, है और डायरेक्ट क्वेश्चन है तीन ऑप्शन अगर रिवोक कर ले अपनी अथॉरिटी एजेंट uh, से या फिर डेथ हो जाए प्रिंसिपल की या एजेंट की या फिर प्रिंसिपल जो है वो क्या हो जाए इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट कर लिया जाए उन सिचुएशंस में क्या हो जाएगा अथॉरिटी जो है वो खत्म हो जाएगी टर्मिनेट हो जाएगी ठीक है एजेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी चलो सबको आंसर पता है डी इज द करेक्ट आंसर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है ए इंटर एंटर कॉन्ट्रैक्ट विद बी इन दिस बी इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड ए कैन नाउ बताइए कॉन्ट्रैक्ट अब ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में आए और बी इसमें गिल्टी पाया गया फ्रॉड का ठीक है तो अब ए क्या कर सकता है ए के पास क्या रिजॉर्ट अवेलेबल है लॉ के अकॉर्डिंग रिस्काइन कर ले कॉन्ट्रैक्ट को बट नॉट गेट कॉम्पनसेशन गेट कॉम्पनसेशन ऑन ओनली रिस्काइन कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट कॉम्पनसेशन बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर दोनों ही उसके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है वो भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को और साथ में कॉम्पेंसेशन भी ले सकता है ऐसा नहीं कि रेस्काइन कर तो नहीं मिलेगा या ले लिया तो कॉन्ट्रैक्ट uh, रिस्काइन नहीं कर पाएगा ठीक है चलो वेरी गुड फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं कुछ तो क्वेश्चन थे डायरेक्ट बेस देखो डायरेक्ट थे बट इन लोगों ने थोड़ा अंदर डेप्थ में से पूछा सबसेक्शन में से पूछ लिया या अंदर का कंटेंट में से पूछ लिया बट ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट uh, नहीं थे क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेस डाउन डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कहां दिया हुआ है है ना एच में दिया हुआ है यार सबको पता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू एच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्लॉज कितना इंपॉर्टेंट है ये लोग ये सब लोग जानते ही है तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया था चलो क्वेश्चन नंबर फाइव देखो द जूरिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ जूरिस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या दो चीजें हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है ना यही बेसिक है एक उसका चलो आ Sixth question पे आओ तो इसका ऑप्शन ए है, है, है ना फिफ्थ का answer, option a है सिक्स पे आ जाइए विच ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल कंपोनेंट क्या है इनमें से डी इज द करेक्ट आंसर कंपीटेंस एंड कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज यही इसका एसेंशियल है चलो आगे चलेंगे तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर सिक्स क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन को देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थ्रू टेली टेलीफोन इज रिगार्डेड एज कंप्लीट वेन अगर फोन के थ्रू आपने टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेट किया है अपना एक्सेप्टेंस uh, तो वो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाएगा बताइए इसका आंसर बी है ऑब्वियसली है ना एक्सेप्टेंस कम्स टू दी नॉलेज कम्स टू द नॉलेज ऑफ पार्टी प्रपोजिंग जिस पार्टी ने प्रपोज किया था अगर उसके नॉलेज में जैसे ही आ जाएगा एक्सेप्टेंस वैसे एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे तो so सेवन का आंसर क्या था सेवन का आंसर बी था बिल्कुल करेक्ट जो लोग भी करेक्ट आंसर देते जा रहे हैं अच्छी बात है बताइए मुझे क्या कह रहा है डी नेचर हैज बीन डिफाइंड अंडर डैश ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट बिल्कुल डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना बिल्कुल सेक्शन का क्वेश्चन है कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है टू फाइव इज द आंसर ठीक है ए का ए है इसका आंसर सेक्शन टू सब सेक्शन फाइव में आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ इन टॉक्सिकेन्स मे बी ग्रांटेड बाई बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर है कलेक्टर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सी मार्क कर लीजिएगा सी करेक्ट आंसर है टेंथ क्वेश्चन पे चलेंगे प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लोजिंग ऑफ शॉप फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पीस इज का आंसर सेक्शन 24 का क्वेश्चन है बिल्कुल डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था है ना डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन का अगर आपने टाइटल पढ़ा है तो भी आप समझ जाएंगे इलेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं कंपीटेंट अथॉरिटी फॉर परमिटिंग एस्टेब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ एंड वेयर हाउसेस सेक्शन का क्वेश्चन है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है और सी इसका आंसर है एक्साइज कमिश्नर सेक्शन ट्वेल्व क्वेश्चन ट्वेल्व पे चलते हैं विद प्रायर परमिशन प्रायर परमिशन इज एसेंशियल फॉर ग्रांटिंग द लाइसेंस टू सेल लिकर इन कंटोनमेंट एरिया कंटोनमेंट एरिया में लिकर बेचने के लिए किसका प्रायर परमिशन चाहिए होता है सेक्शन ट्वेंटी uh, का क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है कमांडिंग ऑफिसर ठीक है आंसर क्या है डी कमांडिंग ऑफिसर जो उस कंटोनमेंट एरिया का कमांडिंग ऑफिसर है उसकी परमिशन चाहिए आपको सेक्शन ट्वेंटी के अंतर्गत सेक्शन क्वेश्चन नंबर पे आते हैं प्रोविजन रिलेडिंग टू फॉर्म एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस इज ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपने टाइटल पढ़ा है सेक्शन का तो भी आपका क्वेश्चन बनेगा ठीक है आंसर क्या है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे चलते हैं एनी होल्डर ऑफ अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट में सरेंडर हिस्स लाइसेंस टू किसको लाइसेंस सरेंडर कर सकते हैं अगर आप छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस होल्ड कर रहे हैं तो सेक्शन क्या है सेक्शन 33 है और इसका आंसर क्या है आपका डी कलेक्टर ठीक है सेक्शन 33 का क्वेश्चन है डी कलेक्टर इज द राइट आंसर बिल्कुल 14 का आंसर डी है

सेक्शन सिक्सटीन ए डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन ठीक है कौन से ईयर में ऐड हुआ था तो 2001 में ऐड हुआ था यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर द रजिस्ट्रेशन एंड अदर रिलेटेड लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2001 से इसको क्या किया गया था ऐड किया गया था रजिस्ट्रेशन uh, एक्ट के अंदर ठीक है तो 2001 में ये ऐड हुआ है याद रखना बिल्कुल डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन पे आ जाइए प्रोविजन रिलेटिंग टू इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रिंग ऑफिसर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर रजिस्ट्रेशन से पहले इंक्वायरी करेगा उसका प्रोविजन कहा दिया हुआ है 34, डायरेक्ट सेक्शन का क्वेश्चन है ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज टेम्परली वेकेंट to appoint a person to act as registrar till the vacancy is filled? ठीक है हु हैज द पावर टू अपॉइंट पूछ रहा है कौन टेम्प्ररली रजिस्ट्रार के तौर पे एक्ट करेगा ये नहीं पूछ रहा है किसके पास में पावर है टेम्प्ररी रजिस्टेपरिरी वैकेंसी को फिल करने की ठीक है वो पूछ रहा है यहां पर क्या है इसका आंसर इसका आंसर सी है डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है इसका आंसर इसका आंसर सी है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है ठीक है इसमें क्या दिया हुआ है कि आप वैसे तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है उनके पास पावर है कि वो रजिस्ट्रार की जगह किसी और व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं इन केस ऑफ टेम्पररी वेकेंसी लेकिन अगर इधर डिफॉल्ट होता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे ठीक है ये इसका करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द करेक्ट आंसर सेक्शन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे आ जाओ वापस रजिस्ट्रेशन का ही क्वेश्चन है, से से है जिसको प्रेजेंट किया, किया जा सकता है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना एक्सप्रेस प्रोविजन है अंडर सेक्शन ट्वेंटी थ्री की विल को आप कभी भी प्रेजेंट या डिपॉजिट कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे रिलेटिंग टू एनफोर्सिंग अब ये भी एकदम देखो चैप्टर आपने अगर चैप्टर देखा है सेक्शन देखा है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है एकदम इजी क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर हाँ एटीन क्वेश्चन कैंसिल होने का चांस देखो थोड़ा बहुत है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसका आंसर है बी चैप्टर सेवन में लिया हुआ है सेक्शन थर्टी सिक्स से लेकर के सेक्शन थर्टी नाइन तक प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग ठीक है अपियरेंस और अपियरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड विटनेसेस के रिगार्डिंग सो बी इज द करेक्ट आंसर

फोर्टी टू है बी है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखिए क्या कहता है क्वेश्चन आपका 31 1881 की किसकी तरफ रहती है किसकी ओर रहती है बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर drawer की तरफ रहती है ठीक है आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का ए आंसर था ठीक है ड्रॉ वॉज द करेक्ट आंसर ट्वेंटी थ्री पे आइए प्रोविजन रिलेटिंग टू क्या कह रहा है क्वेश्चन प्रोविजन रिलेटिंग फॉर पार्ट ऑफ़ द सम ड्यू इज कौन से सेक्शन में एंडोर्समेंट का प्रोविजन uh, दिया हुआ है बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर सेक्शन 56 में प्रोविजन दिया हुआ एंडोसमेंट फॉर पार्ट ऑफ द सम ड्यू के लिए ठीक है जाइए ट्वेंटी फोर में आइए अ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक बाय द ऑर्डर इज होल्डअप बाय द बताइए ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर का आंसर बताइए मुझे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन फोर्टी सिक्स का क्वेश्चन है द आंसर इज सी एंडोर्समेंट बाय डिलीवरी ठीक है एंडोर्समेंट अ अप्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल बाय ऑर्डर इज नेगोशिएबल बाय द होल्डर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी ठीक है सेक्शन फोर्टी सिक्स रेफर कीजिएगा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए होल्डर्स राइट टू डुप्लीकेट ऑफ इज लॉस्ट बिल इज प्रोवाइडेड इन ये भी अगेन क्वेश्चन uh, आपका uh, सीधे सेक्शन में से ही है एंड द करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑप्शन डी ठीक है क्या है फोर्टी फाइव ए में दिया हुआ है प्रोविजन रिगार्डिंग द होल्डर्स राइट टू डुप्लीकेट ऑफ लॉस्ट बिल क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 118 ऑफ़ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 118 में क्या प्रोजम्पन दिया हुआ है इनमें से? 26 का, बिल्कुल दो, सारे सारे के यहां पर राइट आंसर uh, so right है आ जाइए सेक्शन क्वेश्चन 27 पे आइए वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस आईपीसी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ सेक्शन ऑफ आईपीसी के ऑप्शन सेक्शन वाइज बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका डीज द करेक्ट आंसर सेक्शन ट्वेंटी में कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिफाइन किया गया आईपीसी के अंतर्गत

तो डी इज द करेक्ट आंसर स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रेमी जो है ये मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर से रिलेटेड केस है आपका बाकी की तीनों की तीनों केसेस आपके आ, बाई ग ट्वेंटी नाइन पे आते हैं अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है द वर्ड कैंडिडेट एंड इलेक्ट्रल राइट है the word, the कौन से सेक्शन में ये बातें डिफाइंड है बताइए मुझे और इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी सेक्शन वन सेवेंटी वन ए के अंदर ये डिफाइंड दोनों चीजें डिफाइंड है इलेक्टोरल राइट एंड कैंडिडेट कॉजिंग डेथ टू अ अ चाइल्ड इन मदर्स इज नॉट अदर इट इज प्रोवाइडेड अंडर अंजलि थोड़ा सा आपका स्क्रीन uh, का uh, आपके जो आप सेटिंग में जाकर के अपने लाइव का वीडियो uh, क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो क्वालिटी 480 कर लीजिए हो जाएगा और स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए

अब क्या एंग्जाइटी यार अब तो हो गया एग्जाम अब तो जो हो गया वो हो गया अब लेके कोई फायदा नहीं है एंग्जाइटी नहीं लेना है चलो हाँ जल्दी जल्दी बता रहे हैं सारे आंसर्स क्या आंसर है इसका मुझे बिल्कुल फर्स्ट इज इज द द ए करेक्ट आंसर द इन मटीरियल ठीक है बस जो आपने बात कही है उसमें पोटेंशियल होना चाहिए अगर उसमें पोटेंशियल है आपकी मतलब जो आपने स्टेटमेंट दिया है वो केपेबल है किसी को इंसाइट कर देने के तो वो क्या हो जाएगा Sedition के में आ जाएगा चलिए थर्टी टू पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पे आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन थर्टी थ्री में क्लियरली लिखा हुआ है द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ट बाई फंडामेंटल राइट इन देयर एप्लीकेशन टू द एटसेट्रा दर्टिकल थर्टी थ्री के अंदर फोर्सेज डिफाइन करी गई है कि कौन कौन से फोर्सेस को आप इस आर्टिकल के एम्बिट में ले सकते हो और साथ में क्या कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है सकता और एब्रोगेट भी कर सकता है यानी कि रोक भी सकता है और खत्म भी कर सकता है चलिए फिर है थर्टी थ्री president's rule under 356 remains valid in any state for the maximum period of for the maximum period of iska answer kya hai aapka option a Ticket hai 2 months chalo aage badhenge. 34 pe flying a national flag is a symbol of express expression coming with the, within the purview of article 19 1 a इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ कौन से केस में हुआ था बहुत ही फेमस केस है ये शायद ही किसी का गलत हुआ होगा और इसका आंसर क्या है इसका आंसर है सी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज नवीन जिंदल आ जाइए थर्टी फाइव पे चलते हैं लैंडमार्क केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब वॉज डिसाइडेड इन दर कौन से ईयर में गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस जो है डिसाइड हुआ था और क्या कहा गया था इस केस के अंदर इस केस के अंदर इन पर्टिकुलरली ये कहा गया था Uh, that, जो आपके फंडामेंटल राइट को अब्रिज नहीं कर सकते हैं ये बात कही गई थी और इसीलिए क्या कहा गया था साथ में क्योंकि आर्टिकल थर्टीन के एम्बिट में ही आएंगे इसीलिए ये आपके फंडामेंटल राइट्स को भी एंक्रोच नहीं कर सकते हैं थर्टी फाइव पे चलते हैं ठीक है तो क्या आंसर होगा इसका इसका आंसर है बी 1967 आ जाइए आगे चलेंगे एक बार ये क्वेश्चंस कर ले फिर चलते हैं अपन 33 पे ठीक है आ जाइए 36 सिक्स दो द पीपल ऑफ इट्स ऑफ दिस कंट्री डिफर्ड इन नंबर ऑफ वेज दे आर दे ऑल वर प्राउड टू रिगार्ड देमसेल्व एस पार्टिसिपेंट्स इन अ कॉमन हेरिटेज एंड दैट हेरिटेज एम्पेथेटिकली इज द हेरिटेज ऑफ संस्कृत ये किस केस में कहा गया था यह केस थोड़ा सा अनकॉमन है शायद आप लोगों को इसका आंसर ना मिला हो या आप लोगों को नहीं पता हो पहले से इसका आंसर संतोष वर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी है ठीक है ए इज द करेक्ट ऑप्शन थर्टी सेवन पे चले गए अंडर दि सेक्शन अंडर विच सेक्शन ऑफ सी आर पी सी अ पर्सन कैन बी डिक्लेय एस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर फेंडर कौन से सेक्शन में दिया गया है बताइए बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड किस uh, कौन से ऑप्शन में दिया गया है सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एटी सेक्शन एटी टू सबसेक्शन फोर के अंदर uh, बताया गया है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में मैच फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है ध्यान से अटेम्प्ट करने वाली चीज है है ना और इसका आंसर जो है वो ए है क्या कहता है ए आपका क्या कहता है ए ए ए का एज थ्री सेक्शन वन जीरो जो है सेज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम द पर्सन डिसमेंटिंग सेडिशियस मैटर ठीक है बी सेज वन सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर एंड फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन कहा हुआ है में दिया हुआ है सी में टू uh, में दिया टू uh, का जो ऑप्शन है वो सी में दिया हुआ है मतलब सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम एक सौ दस में दिया हुआ है और फिर आपका आता है लास्ट वाला एक सौ छो छ में लिखा हुआ है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन ठीक है चलो आगे चलेंगे तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन थर्टी एट का आंसर है ए थर्टी नाइन पे चलते हैं वन ट्वेंटी सिक्स सीआरपीसी क्या कहता है मेक्स प्रोविजन फॉर आपका सेक्शन 126 किसके रिगार्डिंग प्रोविजंस बनाता है फोरम्स एविडेंसेस एंड कॉस्ट ठीक है सो इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का डी करेक्ट ऑप्शन है 40 पे चलते हैं कंडीशनल ऑफर के बारे में है सेक्शन 133 का क्वेश्चन है ये। सेक्शन 133 का क्वेश्चन है और क्या कहता है कंडीशनल ऑर्डर अंडर सीआरपीसी फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस कैन बी पास बाई डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो क्या है ऑल ऑफ़ करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर फोर्टी पे चलते हैं एज पर सेक्शन टू विच चैप्टर ऑफ सी आर पी सी शैल अप्लाई टू नागालैंड शैल अप्लाई टू पूछ रहा है ना शैल नॉट अप्लाई नहीं पूछ रहा है शैल अप्लाई पूछ रहा है कौन सा चैप्टर नागालैंड पे अप्लाई होता है बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर है ना चैप्टर एट चैप्टर टेन और चैप्टर इलेवन जो है पे होता है विच और फिर आते हैं फोर्टी 42 का आंसर इज सी ऑफेंस कमिटेड ऑन वॉयज एंड जर्नी सेक्शन 183 में दिया हुआ है ठीक है उसके अलावा बाकी सारे इनकरेक्टली करेक्टली हैं है सो so, फोर्टी टू का सी इज द करेक्ट आंसर फोर्टी थ्री पे आते हैं प्रूवड बाई एग्जामिनेशन ऑफ फोटोग्राफर बाई प्रूविंग द नेगेटिव इट वॉज हेल्ड इन विच केस एज फार एज वी है इन ऑल द्री केसेज फोटोग्राफ से रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई है ठीक uh, है एविडेंस का क्वेश्चन है सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर फोर्टी थ्री आर अ लिटिल डाई सी अबाउट दिस बट फॉर अकॉर्डिंग टू आस डी इज द करेक्ट आंसर चलिए आगे चलते फोर्टी फोर पे एविडेंस का ही क्वेश्चन है 44 भी सेक्शन 91 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर सेक्शन 91 किसके लिए प्रोविजन बनाता है कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ठीक है क्या है इसका करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर आइए 45 पे चलते विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है 45 का आंसर है ठीक है अच्छे से देखो नॉट पूछ रहा है उसने बोल्ड भी किया हुआ है वहां पर दैट unworthy of इज that ऑफ क्रेडिट दैट not worth इज नॉट credit ऑफ क्रेडिट judicial द official एंड ऑफिशियल been regularly performed ट अ कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज बीन फॉलोड इन अ पर्टिकुलर केस इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है इनकरेक्ट पूछ रहा है स्टेटमेंट आपसे ठीक है so, इसका आंसर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर सेक्शन वन थर्टी थ्री का क्वेश्चन है ठीक है चलो आगे चलेंगे फोर्टी सिक्स पे चलते हैं Any person can become incompetent to testify on the following grounds.

सिक्स का आंसर जो है वो डी है कोई भी व्यक्ति अगर एक्सट्रीम एज ओल्ड एज है या फिर टेंडर एज है एंड एक्सट्रीम ओल्ड या फिर ओल्ड एज है, disease, uh, है माइंड या बॉडी का तो हम उसको क्या मानेंगे इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस मानेंगे डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सेक्शन फोर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन पे आते हैं फोर्टी सेवन पे आइए फोर्टी सेवन का आंसर क्या है आपका

ओरल एविडेंस से के okay, रिगार्डिंग कौन सा चैप्टर है तो चैप्टर फोर है ठीक है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था चैप्टर फोर में ओरल एविडेंस के बारे में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन पे द फी पेबल कोर्ट फीस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोर्ट फीस के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे 49 से लेकर 56 तक सिक्स थे अच्छे क्वेश्चन से ज्यादा क्या, uh, क्या आप सेक्शन सेवन जब रेफर करोगे ना तो सेक्शन सेवन का जो आई है वो बताता है, जो है वो बताता है आपको अगर मनी सूट है तो उसमें आप कितना किस हिसाब से कोर्ट फीस कैलकुलेट करोगे जिस हिसाब से अमाउंट वहां पर क्लेम किया गया है ठीक है बाकी दोनों चीजें इनकरेक्ट है देख लीजिएगा जहां पर पार्टीशन

और जो प्रॉफिट आपको मिला है कोर्ट ने जो आपको अवॉर्ड किया अगर वो ज्यादा है तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा कोर्ट क्या करेगा द डिक्री विल बी एग्जीक्यूटेड क्या डिक्री एग्जीक्यूट हो जाएगी आपने आपने कम मांगा था ज्यादा मिल गया तो क्या आपको डिक्री एग्जीक्यूट होगी इज इट एट द दिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट वेदर टू एग्जीक्यूट और नॉट द एक्शन कोर्ट शेल एक्स के नॉट एग्जामिन दैल्युएशन इसका आंसर नन ऑफ द अबव तीनों स्टेटमेंट क्या है इन करेक्ट है आपके ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही इन करेक्ट है इसीलिए डी इज द करेक्ट आंसर नन ऑफ विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है

नहीं इसका करेक्ट आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर का पहला ऑप्शन कहता था एक्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री शैल बी स्टॉप्ड है ना बिल्कुल स्टे लग जाएगा यही होता है द डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड अनलेस द डिफरेंस बिटवीन द फी एक्चुअली पेड एंड द फी विच हैव बीन पेबल इज पेड फिर तीसरा कहता है इफ द एडिशनल फी इज नॉट पेड विद इन सच टाइम एज द कोर्ट शैल रूल द सूट शैल बी सो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है तीनों चीजें कर दी जाती है पहली चीज क्या होता है आपका स्टे कर दिया जाता है उसके बाद में आपसे जो डिफरेंस अमाउंट है जितनी फीस आपने पे करी और जितनी पेबल थी एक्चुअली वो आपसे उसके बीच का डिफरेंस आपसे क्लेम किया जाएगा अगर आपने नहीं दिया वो एडिशनल डिफरेंस विद इन दी टाइम दैट हेज बीन ऑर्डर बाय दर्ट तो आपका क्या होगा सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा ओके ऑफ फॉलोइंग एक एक मिनट अपन 45 पे चलते दो क्वेश्चंस अपन को देखने है ना, आपने दो क्वेश्चंस बोले कौन कौन से क्वेश्चंस बोलते हैं 33 और 45 दोनों पे चलेंगे अपन एक बार लास्ट में 56 क्वेश्चन तक आ जाए फिर उसके बाद अपन चलते हैं अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द स्टेटमेंट द ट्रू स्टेटमेंट इज इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से पहला स्टेटमेंट कहता है द नेट प्रॉफिट और द मार्केट वैल्यू हैज बीन एस्टिमेटेड द कोर्ट शैल रिक्वायर द अमाउंट टू बी पेड

C uh, the court in which the plaint or appeal is filed and the assessment made by that court is insufficient. The reference shall require the court, uh, the court of appeal uh, or revision, to pay an additional fee, and if it is not paid in the stipulated time, shall dis uh, dismiss. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो मैं इसको आपके आंसर्स बता देती हूँ तीनों तीनों के तीनों ऑप्शन तीनो जो है वो करेक्ट है इसके और पहला जो आपका ऑप्शन था वो सेक्शन टेन का स्टेटमेंट देता है दूसरा ऑप्शन आपका सेक्शन ट्वेल्व का पॉइंट वन कहता है और तीसरा जो स्टेटमेंट है आपका वो आपको सेक्शन ट्वेल्व का क्लॉज टू कहता है ठीक है चलो आगे चलेगी सो ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री पे चलते हैं जो भी लोग आप लोग अगर क्वेश्चन uh, uh, आप कुछ, कुछ भी क्वेरी डाल रहे हो ना आई रेफर टू इट बट एट दिफ्टी थ्री क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ फॉलोइंग स्टेटमेंट द ट्रू स्टेटमेंट इज इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इफ द एप्लीकेशन फॉर रिव्यूज पार्टली और होली ड्यू टू न्यू एविडेंस बीग मॉडिफाइड और रिवर्स द कोर्ट शैल ऑथराइजेशन टू रिकवर दी पेड अगर नए एविडेंस के बेसिस पे कोई आपने केस का जो जजमेंट है उसको रिवर्स कर दिया है तो इन दैट सिचुएशन फीस पूरी रिकवर हो जाएगी ठीक है पहला ए कहता है ऑप्शन बी कहता है वेयर द कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू रिवर्सिस इट्स एप्स्यूट डिसीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ लैप्स ऑफ लॉ और फैक्ट रीफंड ऑफ सच फी बाई देंदर क्या है पहला स्टेटमेंट जो है वो इन करेक्ट है सो ओनली बी स्टेटमेंट बी इज करेक्ट सेक्शन फिफ्टीन रेफर कीजिएगा सेक्शन फिफ्टीन का स्टेटमेंट है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर पे लिमिटेशन का क्वेश्चन है ये बीच में एक लिमिटेशन का क्वेश्चन दिया और इसका आंसर सेक्शन नाइन है क्या कहता है, of of has, uh, debtor, uh, है? कहा है सेक्शन नाइन का क्वेश्चन है लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन नाइन रेफर कीजिएगा फिर फिफ्टी फाइव पे आते हैं क्वेश्चन है फिफ्टी फाइव और क्या कहता है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है शेड्यूल में

डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्रेजेंट द लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितने समय में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको पे करना पड़ेगा नाइनटीन ए का क्वेश्चन है ये और इसका आंसर है सिक्स मंथ ठीक है क्या आंसर है सिक्स मंथस है इसका आंसर अब मैं एक बार आप लोगों के सबके ले, कॉमेंट देख लेती हूँ हाँ, बिल्कुल प्लीज हिट द लाइक ला, बटन अधारा, वील सी टू इट चेक चेक इट वंस अगेन टैल भी स्टेड ही है वहां पर डायरेक्ट अगर आप प्रेफर करोगे रेंट कंट्रोल का तो एज फार एज आई कैन रिमेम्बर सॉरी आपके कोर्ट फीस एक्ट का तो एज फार एज आई कैन रिमेम्बर इट अबाउट स्टेइंग द प्रोसेस ठीक है शैल स्टे शैल स्टे ही वर्ड यूज करता है फिर आते हैं 45 पे चलते हैं एक बार अपन ठीक है 45 क्या कह रहा है आपका फोर्टी 45 में जहां तक क्वेश्चन uh, नॉट पूछा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इन करेक्ट है, है कौन सा स्टेटमेंट इन करेक्ट है इज नॉट करेक्ट तो बिल्कुल द अकंपलिस नॉट अनवर्दी ऑफ क्रेडिट बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ठीक है दैट इज मिस्टेक ऑन माई पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हम लोगों ने वो कर लिया था सॉरी जो आप लोगों को स्पेसिफाई किया वही गलती मैंने करी ठीक है तो ऐसा हो जाता है कभी कभी 33 पे एक और क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लमैटिक था 33. ठीक है उसको और, और एक बार देख लेते हैं 56 के बाद के बाद सोमेश सर आप लोगों को आप लोगों के लिए एड्रेस करेंगे 33 पे एक बार अपन और चलते हैं और बिल्कुल सिक्स मंथ इज द करेक्ट आंसर मैक्सिमम पीरियड पूछ रहा है विदाउट दी अप्रूवल नहीं मैक्सिमम पीरियड कितना है स्टेट इमरजेंसी का तो सिक्स डी इज द राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा दैट वॉज ऑलो मिस्टेक ऑन माय पार्ट ठीक है तो ये रिमेन्स वैलिड इन एनी स्टेट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टू सिक्स मंथस ठीक है टू मंथ विदाउट अप्रूवल वाला था चलो पास्ट ईयर में क्योंकि विदा विदाउट विदा अप्रूवल वाला पूछा था तो आई वाज अ लिटिल प्री ऑक्यूपाइड विद दैट थॉट चलिए 56 के बाद में सोमेश सर आपके साथ कंटिन्यू करेंगे और आपको इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बनाए बताएंगे सो विद आफ्टर वन मिनट सर विल कंटिन्यू सो जस्ट स्टे ऑनलाइन एंड स्टे कनेक्टेड जिन लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक द बटन बाय गाइस हैव अ ग्रेट डे हेलो एवरीवन चलो ये 57 से कंटिन्यू करते हैं है ना थोड़ा लाइक कर दो यार नहीं किया आप लोगों ने ये देखिए सेक्शन नाइन का सीधा सीधा सवाल है अगर हम सेक्शन नाइन को देख लिमिटेशन एक्ट के तो आंसर अगर हम पहली बार आपने पढ़ा होगा तो आपको सेकंड ऑप्शन लग रहा होगा लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आप आ, आंसर देखोगे जो ऑप्शंस में तो आपको आंसर मिलेगा ए ठीक है ऑल ऑफ दी अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ 57 आगे देखिए 58 एट इंपोर्टेंट केस ऑफ अब ये केस लॉ पूछा है डायरेक्ट अगर आपको केस लॉ पता था कि किस प्रोविजन से डील करता है तो आंसर होगा इसका बी सेक्शन फाइव ऑफ द लिमिटेशन एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी नाइन देखिए इंपोर्टेंट केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एल एन वाला कृष्ण वर्सेस एम कृष्णापति अब बत, अब इसमें आपने अगर केस लॉ पढ़ा है तो आपको पता होगा कुछ कुछ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सरप्राइजिंग केस लॉस पूछे गए तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है अगर इस तरह के केस लो पूछे जाते हैं तो मोस्टली बनते नहीं है अगर हमने क्योंकि इस तरह के आ, केस के केस लॉस लिए हम प्रिपेयर नहीं रहते और गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं है ना तो आंसर क्या है यहां पर क्या होगा ऑल ऑफ दी आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दी डी आगे देखिए देखिए ये भी डायरेक्ट केस लॉ का सवाल है तो अगर आपने केस लॉ पढ़ा है तो आपको पता होगा नहीं पढ़ा है तो फिर आप जो भी आंसर लगाओगे आप अपनी लीगल प्रूडेंस के हिसाब से देख के थोड़ा सा समझ के लगा सकते हो आंसर इसका होगा बी आंसर क्या होगा बी सिक्सटी नाइन सिक्सटी का होगा बी ठीक है जस्टियानो वर्सेस एंटोनियो आगे बढ़िए आंसर क्या होगा इसमें सेक्शन ट्वेंटी फाइव के हिसाब से अ पीरियड ऑफ थर्टी ईयर्स सेक्शन ट्वेंटी लिमिटेशन एक्ट आंसर क्या होगा पीरियड ऑफ थर्टी ईयर्स ठीक है ईजमेंट आगे देखिए 62 एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट अब सीधा सा है लिमिटेशन एक्ट के जो आर्टिकल से वहां सीधा क्वेश्चन पूछा गया है 59 का क्या है सर 59 59 59 59 का था डी ऑल ऑफ द अबव 60 का बी 61 का देखिए ए पीरियड ऑफ 30 इयर्स 62 का देखिए 62 का क्या होगा हाई कोर्ट सीधा आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लिया लिमिटेशन एक्ट के लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा सीधा हाई कोर्ट आगे देखिए 63 प्राइवेट अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो सीधा बात है जो प्राइवेट अरेंजमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टीज के बीच में प्राइवेट पार्टीज के बीच में तो वो क्या होता है राइट इन परसोनम एक पर्सन के अगेंस्ट आपका राइट right रहता है तो आंसर क्या होगा इसका ए सिक्सटी का ए आगे देखिए सिक्सटी फोर एज बॉट अ हाउस फॉर वी फिफ्टी थाउज में जोलिंग राइट टू ए आफ्टर द परचेज इसको ध्यान से देखिए आंसर इसका क्या होगा इसका आंसर 64 का a. 64 का का क्या होगा अब आप इस्तेमाल करते तो आपको समझ था कि सी आंसर हो नहीं सकता ठीक है अगेंस्ट द होल्ड वर्ल्ड प्राइवेट अरेंजमेंट है तो अगेंस्ट द होल्ड वर्ल्ड नहीं हो सकता क्योंकि में डी आपको देखते तो आपको क्या मिल जाता है तो इस तरह की condition लगा ही नहीं जा सकती, तो आंसर होगा 64 का आगे देखिए पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था है ना? कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए बी क्यों नहीं है सर बी इसलिए नहीं है कि ही राइट अगेंस्ट दी होल्ड वर्ल्ड अब बात यह है कि एक प्राइवेट अरेंजमेंट है तो इसमें हम देखते हैं राइट अगेंस्ट परसूनम माना जाता है ठीक है अगर आपने किसी से घर खरीदा है तो वो राइट इन परसूनम माना जाता है ठीक है बाकी अगर इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस होंगे तो आपको कन्वे कर दिया जाएगा अभी के हिसाब से आंसर मुझे अप्रोप्रिएट आंसर ए लग रहा है कुछ चेंजेस होंगे तो आपको इसके तुरंत सेशन के बाद आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी इंटीमेट कर दिया जाएगा 65 देखिए ए एंड बी एंटर इंटू कॉन्ट्रेक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मेरेज ए गोज मैट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स बॉइड सीधा कॉन्ट्रेक्ट का क्वेश्चन है, है ना ऑफ सेक्शन ठीक है 65 का ए आगे देखिए 66 वेरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड बाय अब ये देखिए सीधा क्वेश्चन आ गया अब यहां पर आपने ये क्वेश्चन पहले भी सर मेरे साथ से प्रीवियस ईयर से कहीं किसी भी किसी पर्टिकुलर ज्यूडिशियल एग्जाम में आया था वहां से रिपीट हुआ है क्वेश्चन आंसर हो गया 66 का क्या D. है डी आगे देखिए 67 देखिए एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रेट एक्जीक्यूटिव कॉन्ट्रेक्ट क्या होगा फ्यूचर में परफॉर्मेंस करना है अभी ऑब्लिगेशन पार्टीज को तो क्या ओब्लिकेशन पार्टी एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रेक्टी का बी कट ऑफ थोड़ा एनालिसिस करने के बाद ही बताना सही रहेगा मेरे हिसाब से हाँ तो पर कट ऑफ थोड़ा सा गिरने के चांसेस हैं इस बार मेरे हिसाब से जितना मेरा प्रूडेंस कहता है जो मैंने बात की है स्टूडेंट से कट तो ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा इस बार ठीक है आंसर होगा सिक्सटी सेवन का बी 64 का कुछ लोगों का कहना है बी होना चाहिए ठीक है उसका एक बार दोबारा देख लिया जाएगा और अगर आंसर बी रहेगा तो आपको कन्वे कर दिया जाएगा ठीक है? है? है थोड़ी जल्दी जल्द थोड़ा स्पीड ऑफ करके एनालिसिस करना पड़ता है तो कुछ कुछ बारी कुछ कुछ ह्यूमन एरर्स आप मान के चलिए हो जाती हैं तो अगर उसका आंसर बी होगा तो आपको कन्वे कर दिया जाएगा इस सेशन के एंड होते ही कमेंट बॉक्स में ठीक है आगे देखिए सिक्सटी एट का क्या होना चाहिए सी सिक्सटी एट का सी सिक्सटी नाइन देखिए लीगल एंड लीगल पार्ट लीगल पार्ट इज सेपरेबल फ्रॉम ए लीगल पार्ट सीधी सी बात है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है ये आंसर क्या होगा लीगल पार्ट इज वैलिड आंसर क्या होगा सिक्सटी नाइन का डी सिक्सटी नाइन का आंसर क्या होगा डी 69 का क्या होगा डी बैलिड सेवनटी देखिए किसी केस लॉ का क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह के सरप्राइजिंग क्वेश्चंस बीच बीच में आते रहते हैं आपको कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए इसका आंसर है सेवनटी का है ए मेटकेल्फ बस इज मेटके हाँ दा ये डाउट पूछा था और हमने क्लास में डिस्कस भी किया था इस डाउट को इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 69 जो क्वेश्चन था हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था 70 का आंसर होगा ए ठीक है बिल्कुल धारा सेवनटी वन देखिए ये भी केस का क्वेश्चन है सेवनटी वन देखिए सेवनटी वन लॉ का क्वेश्चन है आंसर है इसका ए 71 वन का आंसर क्या है ए 71 वन का आंसर है ए केस लॉ का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेवनटी वन का आंसर है ए ठीक है आगे देखें सेवनटी टू देखिए सेवनटी टू का आंसर क्या होगा सेवनटी टू का आंसर भी क्या होगा ए सेवनटी टू का आंसर क्या होगा ए सेक्शन थर्टी सेवन अपोर्समेंट का क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से ठीक है इसका आंसर क्या होना चाहिए सेवनटी टू का ए आगे देखिए सेवनटी थ्री सेवनटी का क्या होगा मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए अप्रोप्रेट आंसर डज नॉट अप्लाई टू कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स मैंने बताया था अपनी क्लास में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जब मैं क्लास 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 मेरी मैं कंडक्ट uh, करवाई थी मैंने फॉर द ऑफ जे एग्जाम तो उसमें देखा था हमने कि जो कॉम्प्रोमाइज वगैरह होते हैं उनको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाता अंडर सेक्शन फाइव तो आंसर इसका होना चाहिए डी डज नॉट अप्लाई टू कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स ठीक है सिक्सटी सेवनटी थ्री का डी आगे देखिए सेवनटी फोर इज़ रूल अगेंस्ट अब यहां भी देखिए इस बार क्वेश्चंस पूछे गए तो आपको एलिमिनेशन मेथड बहुत काम करेगा है ना कुछ कुछ क्वेश्चन जिसके आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता होगा लेकिन आप एलिमिनेशन मैथड अप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसी तरह से हमने सेवनटी देखा सेवेंटी भी रूल अगेंस्ट परपोजुटी का कुछ इसी तरह से है अब आप देखिए कि बीसीडी कहीं ना कहीं एक तरह के एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं सेक्शन एट्टीन में जो दिए है लेकिन ये एक्सेप्शन करेक्ट नहीं है अब जैसे आप बात करें बी में क्या बाइंडी भाई शराब बराब की दुकान वकान खोलने के लिए पब्लिक वेलफेयर थोड़ी माना जाता है उसके बाद टेम्पल प्रमोटिंग सती ये भी नहीं हो सकता फिर देखिए लाइब्रेरी फॉर कॉमिक्स बुक्स वैसे भी जनता पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही कॉमर बुक्स कॉमिक बुक की लाइब्रेरी और खोल देंगे तो वैसे ही पढ़ना बंद कर देगी ठीक है तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर होना चाहिए ए मोस्ट एप्रोप्रियट आंसर होना चाहिए ए ट्रांसफर किसी लीनियन डिसेंडेंट के फेवर में आपने ट्रांसफर किया है तो वो कहीं ना कहीं से रूल अगेंस्ट परपोचुटी से बाहर नहीं होता ठीक है तो आंसर होना चाहिए सेवनटी फोर का ए सेवनटी फाइव देखिए ये कंडीशन दे रखी है अगर आपने सेक्शन ट्वेंटी एट देखा होगा जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन की सेक्शन ट्वेंटी एट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उसके हिसाब से अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा सेवनटी फाइव का क्या आंसर मिलेगा बी द अल्टीरियर डिस्पोजिशन टेक्स प्लेस ऑन द जब पहले वाला जो प्रायर डिस्पोजिशन uh, जो uh, कोई भी अनसर्टेन या सर्टेन uh, इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करता है तो इसका आंसर होना चाहिए सेवन का बी सेवेंटी फाइव का क्या होगा बी आगे देखिए

उसमें आपको आंसर मिलेगा इसका क्या डी सभी तो आता है एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में हॉर्टिकल्चर प्लांटिंग वो कमर्शियल प्लांटेशन बाकी रिजर्विंग ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग और सब कुछ आता है आंसर क्या होगा का डी देखिए अभी हुआ था मैंने अपनी क्लास में इस बात को डिस्कस भी किया था अपनी क्लास जो मैंने लैंड रेवेन्यू कोड की क्लास ली थी छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड की उसमें इस बात को डिस्कस किया था सेक्शन टू यू को सब्सिट्यूट कर दिया गया है ठीक है तो आंसर क्या होगा ए आंसर क्या होगा सेवेंटी एट का ए

हम मांग रहे हैं एक तरह का इंसेंटिव समझ लीजिए रिवॉर्ड समझ लीजिए है ना तो उसके लिए आप इस वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए ठीक है सेवेंटी नाइन का सी एट्टी देखिए ऑल रेवेन्यू ऑफिसर सेल्वी सबॉर्डिनेट टू दी सेक्शन ट्वेल्व से सीधा क्वेश्चन पूछा गया सेल्वी सबॉर्डिनेट टू दी स्टेट गवर्नमेंट एट्टी का क्या होगा बी सेल्वी सबॉर्डिनेट टू दी स्टेट गवर्नमेंट एट्टी का क्या होगा बी आगे देखिए एट्टी वन सेक्शन ट्वेंटी टू 80 का क्या होगा बी स्टेट गवर्नमेंट 81 देखिए सेक्शन 22 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन 22 किसकी बात करता है छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के एसडीओ सब डिवीजन ऑफिसर की बात करता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है सब डिवीजन ऑफिसर की बात करता है सेक्शन 22 81 का क्या होगा सी 81 का होगा सी 82 देखिए अब अब ये देखिए <coughs> मैंने अपनी क्लास में सारी बातें डिस्कस की है

कट ऑफ का प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद सारे स्टूडेंट्स हैं जो उनसे बात करने के बाद एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कट ऑफ कितना हो सकता है इसका ठीक है आंसर क्या होगा इसका सेक्शन फोर्टी थ्री यानी कि एट्टी टू का बी आगे देखिए एट्टी थ्री देखिए अपील की बात है कमिश्नर के पास अपील कितने दिन में जाती है सिक्सटी डेज में और फोर्टी uh, आपने देखा होगा लिमिटेशन uh, का पीरियड प्रोवाइडेड है छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में कमिश्नर के पास अपील जाती है 60 डेज में और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाती है 90 डेज में तो आंसर क्या होगा सी सी बोथ बोथ ए ए एंड एंड बी बी आर आर करेक्ट करेक्ट 83 का C, 84 देखिए टर्म ऑफ असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिस सेल बी ऑफ कितना होता है थर्टी ईयर्स कितना होता है थर्टी ईयर्स तो आंसर क्या होना चाहिए इधर पे डी नन ऑफ द कितना होता है थर्टी ईयर्स तो आंसर क्या होना चाहिए डी नन ऑफ द कोई ऑप्शन में है ही नहीं दर्टी ईयर्स का ऑप्शन ठीक है

86 देखिए सेक्शन सेक्शन 36 36 ऑफ़ ऑफ़ एसआरए एसआरए क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा पूछा गया गया है है आंसर क्या होगा किसके बारे में बात करता है 36 रिलीफ हाउ है ना डिक्लेटि डिक्री की बात करता है सेक्शन 34 तो आंसर क्या होगा ए 86 का ए आगे देखिए एट्टी सेक्शन ऑफ रिली एसआर प्रोवाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का कौन सा प्रोविजन बा, बात करता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर क्या होगा ए ए आंसर क्या होगा It, 31 से 33 तक सारी कैंसिलेशन ऑफ की की बात की गई है आगे एट्टी एट रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी एज और रिफ्यूज अब बताइए रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात है कब रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट कर सकता है और कोर्ट कब रिफ्यूज कर सकता है तो आंसर क्या होगा इसका ऑल ऑफ द वाउ ठीक है ये Uh, तीनों इसमें देखिए आप वे क्वानस इन, इन तीनों केसेस में क्या कर सकता है uh, ग्रांट कर सकता है रिफ्यूज कर सकता है ठीक है इन तीनों अब देखिए ऑल ऑफ आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दी नाइन देखिए चैप्टर थ्री सीधा क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर थ्री इसकी बात करता है सारे का

में ऑप्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन में सकता है पढ़ा होगा प्रोविजन तो आपको आंसर इसका पता होगा डायरेक्ट प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है 91 का डी 92 देखिए अब राइट ऑफ परचेजर और लेस अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इंपरफेक्ट टाइटल आर रिलेटेड टू ये डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है आंसर क्या होगा 93 का 93 का बी 93 का आंसर क्या होगा बी सेक्शन 93 देखिए 93 देखिए स्टेट गवर्नमेंट सेल बाय नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूट ए ट्रिब्यूनल इन टर्म्स ऑफ ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट की कहा रखी है ये छत्तीसगढ़ लैंड कंट्रोल

और 94 का क्या होगा बी रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल अब देखिए 95 फाइव डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है 95 फाइव देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है अंडर द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट पावर्स एंड फंक्शन रेंट कंट्रोल टू क्या आंसर होगा नाइन्टी का बी सेक्शन नाइन 95 का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आंसर क्या होगा सेक्शन 9 बी 96 देखिए छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट एवरी टेनेंट शैल हैव राइट्स अकॉर्डिंग टू टेनेंट्स के राइट्स के शेड्यूल में डिफरेंट शेड्यूल्स दिए गए हैं उसमें टेनेंट और लैंडलॉर्ड्स के राइट्स की बात है

टेज है डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ रेंट और अदर डेट्स तो आंसर क्या होगा सी एंड बी बोथ आर करेक्ट नाइनटी एट देखिए शेड्यूल थ्री नाइन्टी एट देखिए शेड्यूल थ्री किसकी बात करता है क्वेश्चन शेड्यूल से दो दो क्वेश्चन आए एक टेनेंट तो के राइट्स और लैंडलॉर्ड्स की ऑब्लिगेशन का क्वेश्चन आया दो क्वेश्चन आए सीधे शेड्यूल से तो आंसर क्या होगा इसका नाइनटी एट का ए लैंडलॉर्ड्स ऑब्लिगेशन नाइन एट का क्या होगा लैंडलॉर्ड्स ऑब्लिगेशन अगर अभी भी आपने सेशन को लाइक like नहीं किया तो जाइए सेशन को लाइक like कीजिए और एलेक्ट जुडिशियरी के मोटिवेशन को बढ़ाइए नाइन्टी नाइन देखिए अंडर द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट टोटल शेड्यूल टोटल शेड्यूल कितने हैं शेड्यूल से तीन क्वेश्चन पूछ लिए अब ये देखिए

आपको सॉल्यूशंस भी भी प्रोवाइड किए गए हैं और का एनालिसिस किया जाएगा तो तो like कीजिए चैनल को और जादा से जादा है? इतनी जल्दी मेरे हिसाब से बताना उचित नहीं रहेगा इट्स नॉट अप्रोप्रिएट कि अगर अभी हम कट ऑफ बताए क्योंकि अभी जो करेक्ट कट ऑफ बताएंगे वो उतना करेक्ट नहीं होगा है ना तो प्रॉपर एनालिसिस किया जाएगा Uh, जो भी कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम दे के आए उनसे बात की जाएगी उसके बाद ही कट ऑफ प्रॉपर एनालिसिस के बाद आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा ठीक है थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग माई एफर्ट्स, फॉर रिकॉग्नाइजिंग, फॉर अप्रिशिएटिंग माई एफर्ट्स ठीक है तो बस आप इतना कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जाके शेयर कीजिए तो थैंक यू बाय बाय टेक केयर